नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं फ्रॉक लेकर आई हूँ। फ्रॉक समझ लो, स्वेटर समझ लो। ये देखो, गले से ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर आता है। यहाँ से मैंने 76 फंदे डाल के गले से बनाकर नीचे की ओर ऐसे आया है। ये मैंने बाजू बनाई बीच में, और नीचे से हमने जहां से हमने बंद कर दिया यहां से। चलो आपको मैं बनाना सिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप, कैसे बनाना है। बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। 76 फंदे डाल के मैंने 1, 2, 3, 4 8 सिलाइयां मैंने सीधी सीधी ले ली। एक मैंने बटन होल बना लिया। अब आगे बताती हूँ कैसे करना। 1, 2, 3, 4 8 फंदे मैंने बटन पट्टी के बुन के, फिर 1, 2, 3 धागा आगे करके 2 का 1, 1, 2, 3 फंदा हमने बढ़ाना नहीं, वैसे जाली डालनी है। 3 बुन के फिर 2 का 1 करते जाना। 3 फंदे बुन के धागा आगे करके 2 का 1, देखो 1, 2 और 3, फिर धागा आगे 2 का 1, 1, 2, 3 धागा आगे 2 का 1, फिर 1, 2, 3 धागा आगे 2 का 1। ऐसे आपने पूरी कंप्लीट कर लो, फिर आगे दिखवाती हूँ। 1, 2, 3 धागा आगे 2 का 1, बाकी हमारे है 1, 2, 3, 4 बटन पट्टी के हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में ये 8 फंदे तो हमारे सीधे ही बुनेंगे। एक दो तीन 8 फंदे हमारे सीधे, बाकी हमारे उल्टे। धागा आगे करके उल्टी सिलाई पूरी। हमने कोई फंदा बढ़ाया नहीं, 2 का 1 इसलिए किया है कि हमने वैसे जाली डाल ली है डिजाइन, और इधर भी हमने 8 फंदे सीधे बुन लेने। ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लो, फिर आगे देखते हैं क्या करना। ये देखो जाली डाल दिया ना, ये बीच डिजाइन बन गया। ये देखो ये बेबी वूल है ऐसी वाली, और मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ से शुरू किया। अब हमने क्या करना है, अब हम इन फंदों को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे करना है, देखो हमने 76 फंदे डाले थे, 16 फंदे आगे आएंगे, फिर 10 बाजू के, 20 पीछे वाले हिस्से में, 10 फिर बाजू के, 16 फंदे फिर आगे वाले, उसमें पट्टी भी आ जाएगी, बटन पट्टी भी और दूसरे भी। ये सारे फंदे मिला के 72 फंदे बनते हैं। एक एक फंदा हमने रखा जाली के लिए, जाली के लिए डालने के लिए, फिर बन गए 76 फंदे। अब हमने इसको डिवाइड करके शुरू करेंगे बुनना। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बटन पट्टी के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हमारे आगे वाले हिस्से में। अब धागा आगे करेंगे, एक फंदे की जाली डाल ली। अब हमने 10 फंदे आगे वाले बाजू के बुनने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, फिर धागा आगे एक जाली, धागा आगे दूसरी जाली।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस और बीस, 20 पंदे। फिर धागा आगे एक जाली, धागा आगे फिर हमने 10 फंदे बुनने, 10। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और 10। फिर धागा आगे एक जाली, फिर धागा आगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और 16। अब उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में 8 फंदे तो हमारे सीधे पटन पट्टी के आएंगे, बाकी हम पूरी उल्टी डालेंगे। इधर भी 8 फंदे और इधर भी 8 फंदे, बाकी सारी उल्टी, एक दो तीन चार, बाकी उल्टी, पूरी उल्टी कर लो फिर आगे देख दो। ये देखो 8 फंदे मैंने वो पट्टी के बोल लिए, 8 फंदे तो सिंपल, ये 16 फंदे ही रहने, जो फंदे बढ़ने हैं बीच में बढ़ने। ये देखो वो जाली हमने डोर डाली थी ना, अब ये आ गया, धागा आगे करके एक और जाली डाल लेंगे और एक और दो फंदे हमारे फिर बीच बढ़ गए और फिर धागा आगे करके फिर जाली, फिर हमारे 20 फंदे, 10 फंदे हमारे फिर 10 फंदे बाजू के। ये देखो ये जाली आ गई, धागा आगे फिर जाली, फिर एक और दो बुन के फिर धागा आगे फिर जाली। अब 20 फंदे हमारे पीछे वाले हिस्से के आएंगे, जो फंदे बढ़ने हैं ना जालियों के बीच वाले बढ़ने, बाकी फंदे उतने उतने ही रहने हैं। ये 20 फंदे डाल के ये देखो फिर आगे जाली, ये जाली आ गई, धागा आगे, ये देखो एक और दो फंदे हमारे बीच बढ़ गए, फिर धागा आगे, अब पहले दो थे अब चार हो जाएंगे अगली बारी, फिर हूँ अब 10 फंदे आएंगे बाजू के। ये देखो फिर आ गए, धागा आगे एक जाली और दो फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर धागा आगे दूसरी जाली, उल्टी सिलाई, उल्टी पट्टी के हमारे सीधे फंदे आ जाएंगे। ये देखो ये 16 बंदे फंदे बुन लिए और फिर आज ये देखो धागा आगे करके जाली, फिर एक दो तीन और चार, पहले हमारे दो इकट्ठी जाली डाली थी, फिर हमने दो फंदे हुए, अब चार फंदे हो गए, फिर धागा आगे फिर जाली। ये देखो ऐसी तिरछी तिरछी जाली जाएगी। फिर 10 फंदे बाजू के, जाली आ गई, धागा आ गए,
चाली, एक दो तीन और चार, फिर धागा आगे जाली। देखो एक दो, एक एक दो तीन चार जाली हमारी ऐसे पड़ गई, एक दो तीन चार, ऐसे पूरी आप कंप्लीट कर लो। उल्टी सिलाई या सीधी सिलाई में फिर मिलते हैं। ये देखो एक दो तीन चार, चार जालियां डाल के देखो इतने फंदे हमारे बीच बढ़ गए। अब हमने क्या करना, अब हमने जहां जाली डालनी ये फंदा भी हम बुन लेंगे। एक दो तीन, यहां से हमने जाली शुरू की थी ना, ये देखो ये वाला फंदा, तीन और चार, इधर भी एक दो तीन चार। अब हमने जहां जाली डालनी है धागा आगे एक फंदा, धागा आगे दूसरा फंदा। अब हमने जो सेंटर वाला जो जाली है जहां शुरू करनी है, फिर फंदे हमने पूरे अपने जितने हम बना रहे वैसे बनाते जाना। ये देखो यहाँ नहीं हमने जाली बनानी, ये फंदा ही बुन लेंगे, एक दो तीन और चार, ये जो हमारा सीधा फंदा आ गया। ये देखो बस इसकी आपने जब भी फंदे बनाने इसकी सहायता से बढ़ाने हैं, ये सीधा आपने रखने, ये सीधा आ गया, धागा आगे एक फंदा, धागा आगे दूसरा फंदा। ऐसे ही आपने फिर चार जालियाँ डाल के फिर आपने आगे फिर ऐसे शुरू करना, इसकी सेर के ऊपर ही फिर आपने शुरू करना। ये कर आपको फिर दिखा देती हूँ। ये देखो जहाँ से नहीं शुरू करनी अब जाली, ये एक दो तीन और चार, ये देखो ये सीधा आ गया ना, इसकी सेत में हमने जाली डालनी, धागा आगे एक फंदा, धागा आगे दूसरा फंदा। ऐसे अपने जहाँ शुरू करेंगे, अब जैसे हमने एक दो तीन चार जहाँ जाली डाली ना, चार चार जाली हमने जहाँ डालनी, उसके बाद फिर ऐसे ही शुरू करेंगे आगे। ऐसे ऐसे करते जाओ आप, आगे थोड़ा सा बना लो, फिर आके आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो इतना मेरा बन गया पूरी गोलाई में। ये देखो जाली मैंने एक दो तीन चार पाँच, पाँच मैंने ये पत्तियाँ डाली हैं। ये बिल्कुल सिंपल इस फंदे के शेप से ये पूरी ऐसे जाएगी। ये देखो जो पूरा बनके तैयार हो गया। अब हमने क्या करना, इतने फंदे हमारे आगे वाले हिस्से में आएंगे, अब हम फंदों को डिवाइड कर देना। ये बाजू वाले फंदे हम बंद कर देंगे क्योंकि हमने बाजू नहीं बनानी। इतने फंदे हमारे आगे वाले हिस्से में आ गए, कितने आए हैं देखो, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ फंदे हमारे बटन पट्टी के, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस, तीस फंदे हमारे आगे वाले हिस्से में आ गए। अब हम जे फंदे बंद कर देंगे, जे वाले बाजू वाले, बाजू वाले फंदे हमारे पच्चीस पचास फंदे हमने बाजू के बंद कर देने। ये देखो ये देखो एक दो, एक फंदा बंद कर दिया, दो तीन चार
ऐसे हमने पूरे 50 फंदे बंद करने हैं। पूरे आपको 50 फंदे बंद करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। छः, ये देखो, ये मैंने 50 फंदे बंद कर दिए। अब पीछे वाले हिस्से के हम फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। इधर भी हमने 30 फंदे रख के और 50 फंदे बीच में बंद कर देने। फिर हमने पीछे वाला और आगे वाला हिस्सा इकट्ठा हम बुनेंगे। जो जहाँ हमारी जाली जहाँ से हमने यहाँ तक हमने बुनना है, यहाँ तक, क्योंकि हमने जहाँ से आधे फंदे हमने बाजू के कर देने, आगे पीछे वाले दे कर देने, जहाँ से हम यहाँ तक फंदे हम बुनेंगे। इतने बुन के आपको मैं दिखाती हूँ। फिर ये देखो, ये पीछे वाले हिस्से में ये हमारे 60 फंदे आ गए पीछे वाले हिस्से में। अब हमने फिर जहाँ से 50 फंदे बंद करने हैं, ये देखो बिल्कुल इसकी सामने आ गए हम, पचास फंदे बंद करके फिर वाले आगे वाले हिस्से के हमने 30 फंदे और बटन पट्टी के 8 फंदे बुन लेने। एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे हमने पूरे 50 फंदे बंद करके बाकी आगे वाले हिस्से के हम बुन के आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने बंद करके ये हमारी बाजू निकल गई, ये वाली। अब हमने पीछे वाला आगे वाला हिस्सा सारा इकट्ठा ही हम बुनेंगे। ये देखो, बटन पट्टी के हमने जो सीधे हमारे 8 फंदे वो सीधे सीधे चलेंगे दोनों तरफ से, और ये हमारा सीधा उल्टा आ जाएगा। यहाँ से हम इसको भी साथ ऐसे कर लेंगे। ये उल्टी सिलाई जा रही है हमारी, सीधी हमने मैंने पूरी कर ली। उल्टी सिलाई में हमने सारे इकट्ठे कर लेने। सीधी में हमने बंद किए थे बाजू के फंदे, उल्टी सिलाई में हमने सारे इकट्ठे ही बुनेंगे। दोनों बाजू बाहर निकल गई। अब सीधी उल्टी हम थोड़ा सा बनाएंगे, फिर आगे कोई डिजाइन डाल लेंगे। ये देखो, पीछे वाला हिस्सा पूरा बुन लिया। अब आगे वाला हिस्सा को भी हमने इसी साथ अटैच कर लेना। ये देखो, ये देखो इतना हमारा बन गया। बाजू हमारी इधर बन गई, और देखो बाजू। अब हमने ये सारा राउंड में सीधा उल्टा ही बुनेंगे। थोड़ा सा बनाकर आपको मैं दिखाती हूँ फिर। ये देखो इतना बन गया। नीचे मैंने थोड़ा सा डिजाइन डाला है, ये देखो, ये आपको बनाना सिखा दूंगी। ये 1 साल के बच्चे का बनाया है। आपने बड़ा बनाना हो तो, मैंने 76 फंदे डाले थे ना, आप 86 डाल सकते 2 साल के बच्चे के लिए। और ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 डाल लिए ना, आप 6 डाल लो। और खुला बनाना है तो आप यहाँ से भी दोनों साइडों में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते जाओ, और इसकी शेप लंबी गोल बन जाएगी फ्रॉक की तरह। इसकी कोई स्टिचिंग नहीं हुई, देखो, ये देखो, ये बाजू आ गई, ये देखो, ये बाजू। और हम नीचे से, अब मैंने इतना डाल के, मैंने 1, 2, 3, 4, 8 सिलाइयां मैंने सीधी डाल के, अब हम इसको बंद कर देंगे। वो कैसे करना है, ये देखो,
सिंपल, जैसे हम ऊपर बंद किया ना वैसे ही नीचे भी ऐसे बंद कर देंगे। ऐसे आप पूरा बंद कर लेना। जहाँ मैंने बटन होल 1, 2, 3 और 4 बनाए हैं, नीचे से मैंने खुला रखा है, ऊपर मैंने 4 बटन होल बनाकर 4 बटन लगाऊंगी। अब आपको मैं ये डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ, ये वाला। ये देखो, ये 10 फंदों का, 10 10 के फंदे के हिसाब से आपने ये फंदे लेने हैं। ये कैसे बनाना, ये देखो, पहले मैंने एक फंदा बुन लिया, फिर जाली डालनी, ऐसे नहीं डालनी, इसको उल्टी डालनी, ऐसे ऐसे डाल के हमने 5 फंदों का एक फंदा करना है। ये इकट्ठा तो नहीं होगा इसलिए थोड़ा ढीला छोड़ के, वो पीछे से करना है ऐसे। देखो, 1, 2, 3, 4 और ये 5 5 फंदे हमने इसके ऊपर से ऐसे लगा दिए। थोड़ा डस्ट अपना सेट कर लेना, फिर धागा ऐसे जाली वो डालनी, फिर 5 फंदे हमने बुन लेने, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर धागा ऐसे घुमाया, फिर 5 फंदों का एक फंदा करना, और ढीला छोड़ के एक, दो, तीन, चार और ये 5। बाकी फंदे हम ऐसे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई में सिर्फ उल्टी डालनी है, और ये वाला फंदा जो है ना इसे ऐसे बुनना, जहां से अब क्या करना, 2 फंदे और ये 3 फंदे बुन ले हमने। ये वाला फंदा वो ही था जो हमने 5 का 1 किया था, इसे सिंपल जाली डालनी है, अब 1 और 2। एक फंदा ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फंदे हमारे हो गए। बीच में 7 फंदे होने के बाद फिर वो फंदा आ गया, वही वाला जो हमने एक किया था, उसको धागा आगे किया, फिर जाली डाली, फिर धागा आगे किया, फिर जाली डाली, इस तरह फिर हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। ये देखो, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी आ जाएगी।
जी बिल्कुल। अब हम चार सिलाइयां सीधी उल्टी के ऊपर डाल के फिर आगे आपको चेंज करना भी दिखा देती हूँ। चार सिलाइयां डाल लो फिर आगे आपको दिखाती हूँ। हाँ देखो, अब हमने जी हमने दो बनाई थी नहीं, अब हम इसके सेंटर में बनाएंगे। ये देखो, पहले ऊपर बनाया फिर इसके सेंटर में ये आया। ये देखो, ऊपर बना के नीचे, दो ने ऊपर बनाया फिर इसके नीचे। ये देखो, पहले हमने दो फंदे बुने थे ना, अब हम सात फंदे बुनेंगे। दो तीन चार पाँच छः और सात, पहले दो थे अब सात हो गए। फिर धागा ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे करके पाँच का एक बनाना है। पीछे से एक दो तीन चार और ये पांच, फिर धागा आगे पांच फंदे हम ऐसे बुन लेंगे। एक दो तीन चार और पांच, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये धागा ऐसे ही बुनना। और नौ फंदे हमारे आ गए। ये हमारा पांच का एक फंदा किया था ना, उससे पहले हमारे नौ फंदे आ गए। फिर धागा आगे ऐसे करना सिंपल, एक जाली फिर धागा आगे दूसरी जाली, बाकी फंदे फिर पांच आएंगे। आप हमने तो ये डिज़ाइन वैसे बनाया ना, फिर पांच पांच का अपना ऐसे ही, फिर सात सात फंदे फिर आएंगे बीच बीच में। ये देखो, ये देखो, दस दस फंदों का गैप रख के आपने डिजाइन बनाना, क्योंकि एक बार पांच का एक करते हैं, एक पांच सिंपल बुनने होते हैं, बस इतना है। ये देखो, वैसे बंद करके थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।